एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सब लोग के साथ न्यू किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ही वीडियो लेकर आई हूं। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे सबसे पहला टिप्स है इस तरीके के तवे को लेकर के। जब भी हमारे घरों में लोहे के तवे रहते हैं तो उससे क्या होता है ना, हम बहुत दिनों के लिए अगर कहीं हम जाने वाले रहते हैं और उस तवे को ऐसे ही हम धो करके छोड़ देते हैं तो इसके ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा पानी रह जाता है, जिसके कारण इस तवे में ना जंग लग जाती है। और तवे में जंग लगने के बाद क्या होता है ना कि रोटी जो होता है अच्छा नहीं बनता है हमारा, और तवा भी खराब हो जाता है, जल्दी फूटने का डर रहता है। तो हम ना इसके लिए क्या किए, बहुत ही छोटा सा उपाय है जिसके कारण हमारे तवे में देख रहे इस तरीके का जंग नहीं लगेगा, रेड नहीं पड़ेगा। तो आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले तवे को तो हम क्या करेंगे, एक अच्छे कपड़े से पोंछ देंगे, कॉटन वाले कपड़े से, ताकि इसका पानी जाए, थोड़ा अच्छा सा सोख जाए। उसके बाद हम इसमें सरसों का तेल डाल देंगे। ये प्रोसेस हम तभी करेंगे जब हम कहीं दूर जाने वाले रहेंगे और 2-3 दिन के बाद घर पे आएंगे, तो ऐसे में क्या होगा ना, जंग लग जाता है। और डेली भी आप कर सकते हो ऐसा धोने के बाद, ताकि रात भर में लोहे के तवे में बहुत जल्दी जंग पकड़ता है। आई होप कि आप लोग को ये ट्रिक पसंद आया होगा जरूर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप से हमारा, बारिश का मौसम चल रहा है, आप लोग को पता होगा बारिश का महीना है, तो इससे में क्या होता है ना कि हमारे घरों में पेड़ पौधे जो छोटे छोटे प्लांट या फिर बड़े बड़े प्लांट जो होते हैं उसके नीचे जड़ में ना चींटियां अपना घर बना लेती है, जिसके कारण पेड़ हमारे सूख जाते हैं, वो पूरा खा जाती है उसको। तो कुछ ऐसे ही मैं ऐसा करने से बचने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, पानी लिया है और नॉर्मल वाटर, उसमें हल्दी डाल दिया है। और मैं यहाँ पे देखिए, मेरे इधर भी बादल लगा हुआ है, बारिश होती है काफी, तो इधर कि मैं पेड़ के नीचे थोड़ा थोड़ा करके डाल दूंगी और इसमें से ना चींटियां निकलेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ, जैसे मैं इस पे ये डालूंगी ना, वैसे देखिए कितनी सारी चींटियां निकल रही है इसके अंदर से, आप लोग को दिख रहा होगा फ्रेंड। तो ये सारी चींटियां ना क्या करती है, पेड़ के नीचे ना जड़ को काट देती है और पेड़ हमारा सूख जाता है, डैमेज हो जाता था। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टिप्स है इस तरीके के, मतलब जब भी हम कोई भी काम वम करते रहते हैं तो, या फिर रोटी पकाते रहते हैं, तो तवे की सहायता से ना हमारे हाथों में चिपक जाता है और उसके वजह से ना दाग हो जाता है हाथ में। तो ऐसा ना होने के लिए हम कट फट भी जाता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सा भी कोलगेट ले लेंगे जिसमें मतलब हर्बल रहता है, तो वो वाला हम लगा देंगे ना, तो तत्काल के लिए ना इसमें लहरेगा, थोड़ा सा जलन करेगा, उसके बाद ये अच्छे से ठीक हो जाता है। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, आई होप के पसंद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा अगला टिप्स है, बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट टिप्स है ये, आप लोग जरूर एक बार इसे ट्राई करिएगा। तो क्या होता है ना, जब भी हम अपने घरों में तेल से कोई भी चीज़ बनाते हैं या फिर सब्जियाँ ही क्यों नहीं छोकते हैं, तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं ना, भींगा हुआ जो छुलनी होता है, करछुल जो भी होता है, वो हम इसमें डाल देते हैं, उसके कारण ना हमारे पैर हाथ मुँह कान सब पक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस करछी से भी हम लारने वाले होते हैं उसको हम गैस पे पहले इस तरीके से सेक लेंगे, ताकि इसमें जो भी नमी होगी सोख जाएगी और हमें हाथ पैर पकने से बच जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।